नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। शुक्रवार को रामनगर में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत मंडी समिति परिसर में श्रमिकों को किटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी श्रमिकों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। तो वहीं रामनगर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूरन सिंह सेल ने बताया, कार्यक्रम के तहत मजदूर किट, राजमिस्त्री किट, प्लम्बर किट का वितरण करने के साथ ही कंबल, छाता और सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया गया। उन्होंने बताया उक्त सामग्री 50 श्रमिकों को वितरित की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही उन्हें विभाग द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई। ये श्रमिकों को समान वितरण का कार्यक्रम हमारे सचिव महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों को मजदूर किट, प्लम्बर किट, इलेक्ट्रीशियन किट और सैनिटरी नैपकिन, कंबल, छाता का वितरण किया जा रहा है। इस समय 50 लोगों को ये सामान का वितरण किया गया है। शुक्रवार को रामनगर में श्रम विभाग द्वारा मंडी समिति में मजदूरों को दी जाने वाली सरकार से सुविधाओं का लाभ दिया गया, तो वहीं विभिन्न मजदूरों की श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को किटों का वितरण किया गया। रामनगर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूरन सिंह सैल ने बताया कि मंडी समिति में शुक्रवार को कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली योजनाओं की और जानकारी दी गई तथा मजदूरों से आह्वान किया गया कि सरकार से मिलने वाली योजनाओं का 100% लाभ मजदूर लें। उन्होंने बताया कि आज किट वितरण में प्लम्बर किट, इलेक्ट्रिशियन किट, सैनिटरी नैपकिन, छाता आदि का वितरण और कंबल का वितरण मजदूरों को किया गया। उन्होंने बताया करीब 50 पात्र मजदूरों को इन किटों का हुआ सामान का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली सहायता राशि, सहायता जो भी इस प्रकार की दी जाती है, समय समय पर विभाग द्वारा मजदूरों को जानकारी देने के बाद ये सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज शिविर में मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। उन्होंने बताया कि मजदूरों से अपील भी की गई है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मजदूर अवश्य लें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।